अब यही एक रास्ता बचा है. अगर अगर आप चाहती है कि लल्ला पप्पा बने ना, तो आपकी जिंदगी में एक पप्पा आना बहुत जरूरी हो गए हैं ना. वो आएंगे तो थोड़ा फिर लल्ला को कम टेंशन होगी ना. इतना टेंशन करते हैं कि पीछे से अम्मा क्या कर रही होंगी कि हनीमून तो छोड़ो, पिक्चर तक नहीं दिखाते हैं हमको अकेले जाके. बोलते हैं कि पीछे से जो अम्मा है वो बोर हो जाएंगी अकेले, क्या करेंगी. तो इतना इतना टेंशन लेते हैं आपकी. अब आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा ना, तो आप क्या है, वो आपका ख्याल रखेगा, आपके साथ रहेगा, तो आप बोर नहीं होगे, अकेले नहीं होगे, तो हम कहीं जा पाएंगे. हम फिर हो सकता है कि कोई खुशखबरी भी दे दे फिर जल्दी, है ना. वैसे आइडिया बुरा नहीं है अम्मा. देखा देखा. अरे क्या क्या आइडिया बुरा नहीं है. देख तो एक तो तुम दरवाजा खोलो, बाहर आओ, हमें बात करनी है तुमसे. देखिए देखिए देख देखिए अम्मा, खबरदार जो दरवाजे को हाथ लगाया, इसी दरवाजे पे सर पटक पटक रहती जान दे देंगे अम्मा. अरे करू, बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए. और जब तक आप शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगी अम्मा, हम भी दरवाजा खोलेंगे नहीं. अब तो इस कमरे से हमारी लाश ही बाहर आएगी अम्मा. नहीं, हमें नहीं करनी है शादी. नहीं करनी, नहीं करनी ना, तो मत कीजिए. तो फिर नहीं हम कभी माँ बनेंगे, ना दादी बनेंगी, ना वो पप्पा बनेंगे. अब आप समझ लीजिए, हम जा रहे हैं. अरे क्यों, बार बार हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, धमकी दे तो क्या करें, हम क्या करें फिर. हम देखो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना, हम इस उम्र में हम ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों की खुशी के लिए हम कर लेंगे शादी. मगर इस उम्र में शादी करना आसान थोड़ी ना है. अरे मुश्किल भी नहीं है. आपने आपने मान लिया ना, तो हम पे छोड़ दीजिए. आप मस्त रहिए, हम आपकी नई खुशी के बैंड बजवाने का तैयारी करते हैं. ठीक है, हाँ करिश्मा सिंह. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद मैडम सर. काम हो गया है, मतलब पुष्पा जी मान गई हैं, पर हमें बहुत बुरा लग रहा है मैडम सर. हम अपना केस सॉल्व करने के लिए पुष्पा जी की भावनाओं का सीडी गायब बना रहे हैं. करिश्मा सिंह ऐसा कुछ नहीं. आई एम श्योर पुष्पा जी को भी जब सच्चाई का पता चलेगा तो वो भी इस बात को सपोर्ट ही करेंगे. रिलैक्स, आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं. आप ये सब सोचना छोड़िए और अपने अगले स्टेप पर फोकस कीजिए. ओके जय हिंद. देखिए मैडम, मैंने कितनी बार कह दिया मैंने कुछ नहीं किया है. हमारे मैरिज ब्यूरो में कोई भी चीटिंग नहीं होता. हमारे यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, कायदे कानून के साथ होता है. क्यों आप बार बार मेरे सामने आके मेरी जान सुखा देती हैं? अरे कितने काम पड़े हैं, कितने लड़के लड़कियों के रिश्ते कराने हैं मुझे, घर बसाना है मुझे. अरे तो आप उठ कह रहे हैं, बैठ जाइए ना, बैठ के बतियाते हैं ना, और बसाइए आप घर. कौन मना कर रहा है आपको घर बसाने से. अरे हम यहाँ पुलिस की हैसियत से नहीं आए हैं भैया, आज हम यहाँ क्लाइंट की हैसियत से आए हैं. हमको एक रिश्ता कराना है. किसका रिश्ता? इनका. इनका जी. कौन है ये? सास. और ससुर? छत पे निपट गए, मतलब चल दिए, वो स्वर्गवासी हो गए. अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. उमर देखिए, ये राज का बात तो आज तक यमराज भी पता नहीं लगा पाए हैं, तो आप समझ लीजिए फिर. इतनी भी उम्र नहीं है हमारी, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में. अभी भी देखने के लिए कुछ बचा है क्या? मेरा कहने का मतलब है, इस उम्र में शादी करनी क्यों है आपको? हाँ तुम आम खाओ ना, गुटलिया का ही गिन रहे हो बे. जैसी रिश्ता होगा वैसे डेढ़ गुना कमीशन मिलेगा तुम्हें, वो भी नकद. और जब वर पक्ष मिलाई होती है उसका अलग पैसा मिलेगा तुमको, तो अब सोच लो क्या करना है. और रही बात इस उम्र में शादी की, तो हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं हमारी झगड़ालू और कलेशी बहू से. दो पल सुकून के साथ जीना चाहते हैं, चैन से बैठ के बतियाना चाहते हैं किसी अच्छे और भले इंसान के साथ. कितनी जेन्युइन एक्टिंग कर रही है अपनी पुष्पा जी. ये जो तो पक्का पकड़ा जाएगा. आपका आइडिया बहुत सही है मैडम सर. शांतु जी मैडम सर का आइडिया तो बहुत बेहतरीन है ही, लेकिन पुष्पा जी और जेन्युइन एक्टिंग असंभव. तो अगर उनको मालूम होता कि अभिनय करना है, तो अब तक तो अभिनय का भूचाल, सुनामी, सैलाब सब कुछ ला देती. लेकिन इस बात का यकीन है मैडम सर, जैकबुआ ना पकड़ा जाएगा. कौन? जैकबुआ. जेकब. लेकिन हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से झांसे में आएगा. बातें सुनकर लग रहा है कि उसने अभी तक करिश्मा सिंह और पुष्पा जी की बात पर पूरी तरीके से यकीन किया नहीं है, और इसके दिमाग में कोई ना कोई दूसरा खुराफात चल रहा है.
या तो ये पुष्पा एक्टर बहुत अच्छी है या फिर ये मामला सच में जेन्युइन है। जो भी हो, जो सबसे पहले कंफर्म करना होगा कि कहीं ये इस पुलिस वाले की कोई चाल तो नहीं, कहीं इन्हें इस बात पर पक्का शक तो नहीं हो गया कि चांदनी का बायोडाटा मैंने ही गलत बनाया था। कोई बात नहीं, मैं भी कहां इतनी आसानी से इनके जाल में फंसने वाला हूं। हो जाएगा रिश्ता, एक से बढ़कर एक लड़का लेकर आऊंगा इनके लिए मैं। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी बुलाता हूं आपको ऑफिस में। सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, ये सब करना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए। अच्छा, हम सुंदर तो लग रहे हैं ना? लग रही हैं, बवाल कमाल फायर लग रही हैं एकदम। चलिए अब जाइए, जाइए 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 जाइए। देखो क्या है ना, अगर हम इन्हें रिजेक्ट करते हैं ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लोग हमें रिजेक्ट करते हैं ना तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब कैसे समझाएं आप? रिजेक्ट आपको? मामा भूल गई क्या आप? जवानी में एकदम आपके नाम के ना मोहल्ले में एकदम गोलियां चलती होंगी। हाँ, अभी भी आप में वो कसक, वो खूबसूरती, वो नमक है आपके अंदर। अरे सबको छोड़ो, नवाब साहब इंसान से केकड़ा बनने में एक सेकंड लगाते हैं, आपको देख के भूल गए। अरे हाँ, हम कैसे भूल गए नवाब साहब को? शादी करने के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। नवाब साहब को फोन करो, उन्हें बुला। अरे हाँ, उन्हें ये खुशखबरी ऐसे झट से मत सुनाना, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। बुला बुला। और एक मिनट, पकड़ पकड़ पकड़। एक मिनट, ये क्या कर रही है? अरे नवाब साहब को हमारे खुले बाल बहुत पसंद है ना? नहीं, मना कर दिया उन्होंने, उन्होंने रिश्ते से ही मना कर दिया। क्या? नवाब साहब ने? हाँ, अब हमने उन्हीं से ही तो सबसे पहले पूछा था पुष्पा जी, लेकिन उन्होंने क्या 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 उन्होंने क्या कह रहे थे, उनमें वो बात ही नहीं है। कौन सी बात? हमें क्या पता कौन सी बात, प्रेम चोपड़ा की तरह ऐसा हाथ घुमा रहे थे, बोल रहे थे पुष्पा जी अच्छी हैं, पर वो बात नहीं है। वो बात क्या है वो हमको नहीं पता, वो उन्हीं को ही पता, उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते से। बेवफा नवाब साहब। संतु जी बदल थोड़ी रहे हैं, खाली देख रहे हैं हम इसको। ओहो, देख तो ऐसा रहा जैसे वादियां देख रहा हो। अंदर जाना, मुझे आंखें खोलनी है। हाँ सर, ठीक है संतु जी, खोल लीजिए। हाँ ठीक है, क्या कर रहा है ये, कच्चा कच्चा क्या दिखा रहा है? लेकिन साइज देखिए। देखो चीते, मुझे कच्चा नहीं देख रहा है। वाओ ग्रेट, व्हाट अ सीन। हमको ना पूरा यकीन है संतु जी, कच्चा ना ये नरभक्षी नर पिशाच दानव इसी का तुम्हारा ही है रे। देखो अच्छा कैसा है, खिड़की का पर्दा है। ए कच्चा, ओह माय गॉड, सो लूज बट आई कैन मैनेज। अबे इस बार कच्चे साथ चाय फ्री दूंगा मैं। बेहतरीन, इधर आ जा तुम दोनों। लेकिन हमारा शाबाश शाबाश, तू कुछ भी बोल देता है तुम लोग, हमको मालूम है जायदाद किसका है। मेरे पास इसकी पेपर है। अरे छोड़ छोड़ छोड़, इसकी पेपर है मेरे पास। लाहौल विला कुवत। नवाब साहब, नवाब साहब बढ़िया हुआ कि आप आ गए। कहाँ, दुनिया में या यहाँ? यहाँ पर नवाब साहब, ये देखिए। अरे आपका जायदाद रखिए अपने पास, ले लीजिए। अमिया ये बताओ, तुमको किसने बताया ये कच्चा हमारा है? नवाब साहब कल आप आए थे ना? हाँ तो आपको गर्मी भी लग रही थी। नहीं नहीं, हमको साइज वाइज देखे ना, एकदम इतना बड़ा था तो हमको लगा कि आप ही का है। एक सेकंड, मुद्दे की बात पे आते हैं।
तो बात यहाँ पे ये है कि कच्चा नवाब साहब का नहीं है, ठीक है? बदनाम भाई उतारो कच्चा। हाँ ये बिले का कच्चा मेरे है, मेरे के है। तुम्हारा कहाँ से भैया? हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हो? कच्चा तो हमारा, ये मेरा कच्चा, मैंने पहना है। अरे ओ भैया, ये हमारा कच्चा, ये देखो कल हम अपनी थैली यहाँ भूल गए थे, हमारे कच्चे सारे, ये देखो। निकालो निकालो निकालो, होलसेलर है हम कच्चों के। ओके तो कच्चे की मिस्ट्री सॉल्व हो गई, दैट्स ऑल। कुमार कच्चे वाली पहन के बन जाओ। मैडम हमारे केस का क्या हुआ? पता चला कि जो झूठा है कि हमारी बीवी? देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही सच्चाई का हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे तुरंत। ठीक है, और कैसे कैसे लोग हैं कच्चे पहनते हैं? जो कौन है? जो जो है, जो 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 है। एक सेकंड बिल्लू जी, और नवाब साहब आप पिछले महीने का किराया तो हमने दे दिया था ना? हाँ क्या है ना कि किराया तो मिल गया था, लेकिन कमबख्त पुष्पा जी की याद जो है ना बेसक्त आ गई थी, इसीलिए हमने कहा कि भाई चल के देखते हैं, उनकी खैर खबर भी ले लेंगे। सॉरी लेकिन पुष्पा जी नहीं है। कहाँ गई? लड़का देखने। आपके लिए ना? अपने लिए। अच्छा अच्छा, गोल लेने के लिए? शादी करने के। किसकी? अपनी। पुष्पा जी शादी कर रही है, उनका आज स्वयंवर है, तो लड़का देखने गई। क्या? अरे ये तेरा कहर हम पर ही क्यों? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पुष्पा जी ये शादी नहीं हो सकती, हम होने नहीं देंगे। पुष्पा जी। अरे नवाब, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। नवाब जी देखिए पुष्पा जी, आपको जो ठीक लगे, आपको लगे हाँ इस इंसान से बात आगे बढ़ सकती है, तो हमें ऐसा इशारा कर दीजिएगा। देखिए ऐसे। कैसे? ऐसे ऐसे, हाँ जैसा आप करिए वैसे। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, गुड लक। चलिए जाइए, हम रह लेंगे अकेले, हमें हमें नहीं करनी शादी। ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करेंगे आप? चलिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मगर लड़के अगर होते तो अच्छा रहता, मतलब आमने सामने बात हो सकती थी, अब इनके उनके पिताजी से क्या बात। ज्यादा फुलफुलाइए मत, यही लड़के हैं। ये लड़के जी, अभी चलिए चलिए चलिए। हमारा नाम विश्वनाथ है, पटाका तुम मुझे विश्व विश्व बोल सकती हो। रिजेक्ट, आगे चलिए। मेरी तरफ से आ है। अब हमारी तरफ से ना है भाई साहब। किसका फोन है? कितना आपको फालतू का फोन आता है, स्पैम है। चलिए चलिए आगे। कहाँ हो पुष्पा जी, फोन पिक करो भाई। नवाब साहब, नवाब साहब मिल गए, मिल गए, नवाब साहब मिल गए, मिल गए, मिल गए। क्या ये हमारे पास दे दो, ये हमारे पास दे दो। नवाब साहब, नवाब साहब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गए। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हम ना अपने लटकते हुए मोहब्बत की पतंग के कन्ने पकड़ने जा रहे हैं, और जरा सी भी देरी हो गई ना हमारे मोहब्बत की पतंग किसी और डोली में गिर पड़ेगी, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कानून को हाथ मत देना। पीछे गाड़ी आपकी, कार टूट जाएगी। नहीं होने देंगे हम, ये नहीं होने देंगे। पुष्पा जी की शादी जो होगी ना, तो उनकी डोली हमारे लाश के ऊपर से जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, बॉडी बन जाओ। नहीं, ये तो आपको देख के करंट मार रहे हैं। नहीं कमजोरी है, ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो हाथ कांपने लगता है। अच्छा नहीं नहीं, आप बैठिए चाचा जी, आप बैठिए, बैठ जाइए चाचा जी। क्या क्या, क्या कर रहे हैं आप? आपको देख रहे हैं, शादी के बाद आप उधर से देखिएगा, हम इधर से देखेंगे, दोनों नैन मिलाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक। रिजेक्ट रिजेक्ट, कोई बात नहीं, अपना फूल आप वापस ले लीजिए। मैडम सर जी, मैडम सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। सुनिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, किसी तरीके से नवाब साहब को पता चल गया है कि पुष्पा जी की शादी हो रही है। वो बौखला गए हैं, पर मैरिज ब्यूरो के बाहर चीता ने उन्हें रोक कर रखा है। सो प्लीज आपको सिचुएशन संभालना होगा, अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा। सो प्लीज आपको सिचुएशन संभालना होगा, अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा।
ठीक है थाने में कुछ दिक्कत है? नहीं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हम हमें जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, कई दंगा हो गया है, आप यहाँ जारी रखिए, ठीक है? अरे अरे अरे, हम क्या जारी रखें, आप हमें हमें वहाँ छोड़ के मत जाइए। नहीं नहीं, ये है ना आपके साथ, हमें छोड़ पुष्पा के, हमें छोड़। आई लव यू मैडम। तो पुष्पा जी, कोई पसंद आया, किसी पे लगाई जाए इस टाइम? बॉयस, आई विल बी बैक। लगता है लड़की शर्मा गई। ओके, क्या चल रहा है ये? कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? देखिए करिश्मा जी, आप मेरे बीच में मत आइए, आप हट जाइए, वरना जलजला आ जाएगा, और अगर हमारा इश्क कामयाब नहीं हुआ ना, तो ये दुनिया को बहा ले जाएगा। अरे पुष्पा जी को शादी करनी थी तो मुझसे बेहतर कोई ना मिलता। पुष्पा जी की शादी होगी तो हमसे होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। करिश्मा जी बताइए, वो मैरिज ब्यूरो कहाँ है? नहीं नहीं, पर वो देर हो गया ना उसके लिए। शादी हो गई क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन वो आपसे नहीं करना चाहती है। क्या मतलब? क्या मतलब? सबसे पहले नाम हमने आप ही का ही रखा था कि भैया नवाज साहब है, उनसे शादी कर लीजिए। हाँ। वो बोली कि क्या 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 बोली? पर वो बात नहीं है। ये कौन सी बात नहीं है? अरे हमको नहीं पता भैया, वो ललिता पवार की तरह ही सांप कर रही थी, बोल रही थी वो बात नहीं है, तो आपसे शादी नहीं हो सकता बस। बाहर ले चलो हमको। क्या बतिया रहे नवाब साहब, लोग बाहर ही हैं। अरे हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं जहाँ शराब पी जाती है। हम पी कर मर जाना चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं। मैं हूँ आपके लिए ही। मरने से पहले आप मुझे गोद में ले लेना, तो ये बिल्लू निवास परमानेंट मेरा हो जाएगा। लालची, जब भी तू मुझे मिलता है, कोई ना कोई मनुष्य खबर हमको सुनाई पड़ती है। मनुष्य करके चलाट, यहाँ से हट। मनुष्य गाड़ी नोच दिया आपका। सॉरी, का मुसीबत है, और पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे इस केस के चक्कर में। क्या है ये जो अरे हमको देखो, इन सबको देखो, है कोई तालमेल? सब के सब बाप दादा की उम्र के, किसी के मुंह में दांत नहीं तो किसी के पेट में आंत नहीं, है कोई ढंग का लड़का तो बताओ, वरना हम निकलते, हम ढूंढ लेंगे। देखिए मैम, रुकिए मैम, देखिए ऑप्शन तो है लेकिन दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे इनसे तो अच्छा ही है ना, कम से कम रिजेक्ट करने का सुख तो मिलेगा। नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब उन्होंने पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया है। क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मैडम, ऐसा ही हुआ है, आपके रिश्ते के लिए सब लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है। मगर क्यों? ये सब हमसे सिर्फ उम्र में ही नहीं, यही तो कमाल है मैडम, मर्दों का यही कमाल है, खुद के पैर कब्र में होते हैं, लड़की इनको कैटरीना कैफ चाहिए। देखिए मैडम, मार्केट में ऐसे ही चल रहा है, और अगर आपको फिर से शादी करनी है तो आपको अपने जो उम्मीदों की पोटली है ना, उसे कम करना होगा, फिर शादी हो सकती है। अगर आप हाँ कहें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। बड़ा बस कुछ भी करके हमारी शादी करा दो, जब तक हमारी शादी नहीं होगी हमारा लल्ला अपनी गृहस्थी में कैसे ध्यान लगा पाएगा, अपनी बीवी को कैसे वक्त दे पाएगा? कुछ भी करके जल्द से जल्द हमारे लल्ला को हमारी जिम्मेदारी से मुक्त करो। ये तो जेन्युइन केस लग रहा है, अब तो कंफर्म हो गया है, इसमें पुलिस का कोई चक्कर नहीं है। अरे चांदनी इस वक्त यहां क्या कर रही है? मैडम आप, अरे तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? हम तो बीट पर निकले थे, हमने तुम्हें देखा इसलिए रुक गए। चलो चलो तुमको कहीं छोड़ देते, कहाँ छोड़ना है बताओ। नहीं मैडम, दौड़ कर चले जाएंगे, वो जो का बच्चा एक बार गलत साबित हो जाए तो हमारे हस्बैंड हमें लेने आ जाएंगे। हाइट तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम वजन ही कम कर ले। आपको पता है मैडम, हम कुकिंग क्लासेस भी ले रहे हैं, कॉन्टिनेंटल बनाना और खाना दोनों सीख रहे हैं। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हर इंसान में कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। I'm sure तुम्हारे हस्बैंड में भी कोई ना कोई कमी जरूर होगी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, जो एक रिश्ते में होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती। मैडम बात हमारे यहाँ आत्मसम्मान की और हमारे माँ बाप की इज्जत की है,
उसने हम लोगों पे झूठा इल्जाम लगाया कि हम लोग झूठे लोग हैं। हमें बस यही साबित करना है कि हम लोग झूठे लोग नहीं है, वो जो झूठा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैडम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस जो की हकीकत पूरी दुनिया के सामने ले आइए और साबित कीजिए कि हम और हमारे माँ बाप झूठे लोग नहीं है। ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होगा, हम पर भरोसा रखो। बस मैडम अब आपका ही भरोसा है बस। तो मैडम हम चलते हैं अब। किसी भी हालत में हमें चांदनी की खोई सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। चांदनी को इंसाफ दिलवाना होगा, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ और मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। हमारे बीच जो भी बात होगी इसके बारे में किसी को भी कोई जिक्र नहीं करना। हम वादा करते हैं हम दोनों के बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब सुनो, कई बार एक झूठ कई लोगों के घर बसा देता है। कैसे, हम समझे नहीं। जैसे कि लड़की की उम्र ज्यादा है, हमने सर्टिफिकेट में थोड़ा सा करेक्शन करके उम्र कम कर दी, बस प्रोफाइल ऐसी बना दी कि लड़के के आगे जाए लड़का प्रोफाइल देखते मना ना कर पाए। बोलिए तो क्या जवाब है आपका, हाँ या ना? मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ और मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। हमारे बीच जो भी बात होगी इसके बारे में किसी को भी कोई जिक्र नहीं करना। हम वादा करते हैं हम दोनों के बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब सुनिए, कई बार एक झूठ कई लोगों के घर बसा देता है। बस ऐसे ही छोटे मोटे झूठ बोल कर हम रिश्ता करवा देते, घर बसवा देते। कैसे, हम समझे नहीं। जैसे कि लड़की की उम्र ज्यादा है, हमने सर्टिफिकेट में थोड़ा सा करेक्शन करके उम्र कम कर दी, प्रोफाइल के अंदर हाइट वेट कलर टैलेंट एजुकेशन ये सबको मैं परफेक्ट तरीके से एडिट कर दिया, बस प्रोफाइल ऐसी बना दी कि लड़के के आगे जाए लड़का प्रोफाइल देखते मना ना कर पाए। नहीं नहीं, मगर शादी के बाद फिर? कुछ नहीं होता शादी के बाद, जुबान से निकला शब्द और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। उसी तरह शादी हो जाने के बाद समाज के डर से ये रिश्ता निभाना ही पड़ता है। और पता है मैडम, ये सारा खेल सिर्फ 7 फेरों तक का है, बस उसके बाद कौन पंडित कौन बिचौलिया सब गायब। नहीं मगर ये सब करना ठीक होगा? इस तरह से झूठ बोलकर रिश्ता करना ये तो धोखा हो गया ना। देखिए मैडम, ये तो बिजनेस है और बिजनेस में सब चलता है। और देखिए, अगर हमारे पास कस्टमर आए हुए हैं और अगर हमने उनका काम नहीं किया तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा, और मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है मैडम, और सर्वाइव करने के लिए सब करना पड़ता है। और देखिए मैडम, आपका केस बड़ा है और इस बड़े केस में बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रेडी हैं तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बोलिए तो क्या जवाब है आपका, हाँ या ना? यस या नो, मतलब कोई पसंद आ गया क्या? कोई आया पसंद? हाँ, एक लड़का ठीक ठाक लगा, हमने कहा है बात आगे बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, अब फिक्र मत कीजिए, बस सब सही कर दूंगा। और आप खड़े क्यों, आप बैठिए, मैं चाय भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है, बैठिए। कोई झोल चपाटा तो नहीं किया ना इसने? ना मतलब कुछ ऐसा चीटिंग मीटिंग तो ना लगाओ कि कहीं झूठ बोल के कुछ करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ लगा? नहीं। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे का पूछ रहे, मतलब क्या, पुलिस वाले हमारा दिमाग चलता रहता है इसलिए पूछ रहे। अरे बस कीजिए नवाब साहब, बस कीजिए। अगर गलती से भी करिश्मा मैडम चाहे हसीना मैडम आपको देख रही नहीं सब हालत में सब करते हुए, तो आपके पूरे मिल्कियत पर ना यही सब, ये बिलौटा और ये दोनों मिल्क पीता हुआ नजर आएगा, सब कसम से बता रहे हैं आपको। अरे जा भाई, बड़े आए। अरे करिश्मा करिश्मा, हम किसी से नहीं डरते, समझे ना, चल भाग यहां से। नहीं डरते हैं? हां मारिए फिर, मार बढ़ाऊ चीते चीते। अरे चीता भाई चेस। और अब कैसे सोचा है अपने आपके मौत के बारे में? मतलब आपके मर जाने के बाद ये हवेली और मेरा बिल्ली निवास तो आप मेरे नाम करके जाओगे ना? ये हमने कब कहा कि ये हवेली हम तुम्हारे नाम पे करके जाएंगे? कर देंगे चौथे पेज के बाद, क्योंकि हर एक बड़ा फैसला चौथे पेज के बाद लिया जाता है, हो जाता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैन
तुझे बोला क्या मैंने छोड़ने? मैडम 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 जैन मैडम जैन मैडम जैन क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर ये क्या हो क्या रहा है भाई? नवाब साहब मेहमान है ना, सदमा लगा है इनको मैडम सर, पी बिल्ला रहा है चढ़ इनको रहा है। किस बात का सदमा? नहीं वो उम्र हो गई है ना मैडम, तो हो सकता है ऐसी बीमारी हो गई हो, वो हर किसी को नहीं बता सकते। ओह मामा 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 मछली की तरह बोल दी है ये। नहीं संतु जी हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसलिए सदमा नहीं लगा इनको, इसलिए सदमा लगा है ना कि पुष्पा जी दूसरा किसी से शादी करने जा रही हैं, इसीलिए पगलाए पड़े हैं बुढ़ऊ का। हाँ देखो ना उम्र इतनी हो गई है कि वेफर्स चल रहे जा रहे हैं उनको। नवाब साहब क्या है ये, आपकी उम्र है क्या ये सब कुछ करने की? चीता घर छोड़ो इनको। हाँ हाँ चल आई छोड़ देते हैं नवाब साहब को। अरे यार इनको कहाँ चली है? उठा उठा नवाब सर, ये क्या हालत बनाई है? छोड़ देंगे मैडम सर, पास में ही कब्रिस्तान है वहीं पर गिरा देंगे इनको। चीते बस पुष्पा जी एक काम करो, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा। चलिए इधर मरिए, आइए भीतर आइए। अरे चलिए यार। मैडम सर हमें लग रहा है कि हमें पुष्पा जी को सब सच बता देना चाहिए ना, देख रहे हैं आप कैसे धोपा गए हैं नवाब साहब, एकदम पगला रहे हैं। वैसे भी हमारे हाथ में कोई सबूत लगा ही नहीं है, हमको लगता है वो लड़की ही गलत है। करिश्मा सिंह हमें लगता है फिलहाल जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक दिन और कल का दिन देख लेते हैं, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो जैसा आप सही समझे वैसा करेंगे, क्योंकि हमें अब भी लगता है कि इस सब में गड़बड़ जो ने की है। अरे कब आएंगे वो? आने वाले, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। आ गए। पुलिस में है हम, जानते हैं ना आप, फिर भी हमें गन दिखा रहे हैं आप, अंदर कर देंगे। भाई बाजो, हम इनके दिल में कैद होने आए हैं और ये हमको हवालात में कैद करने की बात कर रही है। भाई वाह क्या बात है। बहुत दिनों के बाद जगह को कोई टक्कर का मिला है, बहुत मजा आएगा। लाइसेंस ही तमंचा है बेबी, इधर सब लीगल है। बैठिए बैठिए समझाते हैं आपको, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए ना। हाँ, हाँ। बैठिए। वो क्या है कि इस तमंचे के बगैर अपना इंट्रोडक्शन फीका फीका लगता है। तो माई सेल्फ जगदीश प्रसाद, प्रेम से लोग हमको जग्या भैया बोलते हैं। अरे जो हाँ हमको तो लगता था कि ये कोई बुड्ढी खूसट होगी, पर ये तो एकदम कड़क सुतली बम है रे, हमको ये रिश्ता मंजूर है। वैसे आप तो शादीशुदा लगते हैं। हाँ तो लगेंगे ना, दो दो बार जो शादी हुआ। अच्छा तो आपकी पहली पत्नी? ऊपर क्या हुआ, कैसे? मर्डर। और दूसरी पत्नी? वो भी ऊपर। उसको क्या हुआ था? दोनों का मर्डर हुआ था और दोनों का इल्जाम हम पर लगा था और दोनों बारी हम बाइज्जत बरी हो गए थे। अरे सबूत नहीं मिला था ना पुलिस को। आप पुलिस और हम इस इलाके के दबंग नेता, खूब जमेगा अपना, हम तुम्हारी इस शहर के गुंडे बदमाशों से रक्षा करेंगे और तुम हमारी इस कानून से रक्षा कर देना, बस दोनों मिलकर शहर पे राज करेंगे। उम्र क्या है तुम्हारी? नहीं हमको पता है कि लेडीज से उम्र नहीं पूछा करते, इतने जेंटलमैन तो हैं हम, वैसे बस खाना पूर्ति कर रहे हैं हम। पचा नहीं पाएंगे आप, पचा ही नहीं पाएंगे इनकी उम्र जाने की, तो आप 40 रनिंग है लगता नहीं ना। लेकिन इनकी एक बहू भी है ना, वो मशहूर पुलिस वाली, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। तो ये 40 की कैसे हुई रे, क्या गणित है? हाँ बाल विवाह, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे,
जल्दी लड़के की शादी, जल्दी सास, सब जल्दी जल्दी में हो गया। क्या बात है, क्या बात है। हम 50 के, ये 40 की, तो मामला सेट है, हमको रिश्ता मंजूर है। अरे नहीं, अरे चलाना। अरे पगले, जोक था। चीता, एक सेकंड, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों चल रहा है? संतोष जी, आप ना नहीं समझ पाइएगा। एक सेकंड, तुझे पता है ना, थाने में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ। भीतर का बात है। क्या भीतर में क्या? पुष्पा जी, ये किसको लेकर आ गई आप? माँ। पुष्पा जी। तो जिन लोगों को लगता है कि अब हमें वो बात नहीं रही, उनकी जानकारी के लिए बता दे, अब हमने हमारा जीवन साथी चुन लिया है। इसको? किसको? ये है हमारे होने वाले पति जग्ञा। आप सबको जग्ञा का नमस्कार। Oh, my daddy, latest daddy. छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। थाना है, थाना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। ये है हमारे होने वाले पति जग्ञा जी। कंग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, आपको, आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी, क्या हो गया पुष्पा जी? कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। बैठिए बैठिए पुष्पा जी, बैठिए। क्या हो गया? बैठिए पहले, बैठिए। क्या हो गया आपको? क्या, काहे रो रही हैं आप? बताइए, समझाइए हमको। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम था, अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है पुष्पा जी। अरे आदमी की जगह जानवर को अपना जीवन साथी चुननी है। देखिए देखिए, वैसे घूर रहा है। देखिए देखिए, निकल, भगाइए इसको, भगाइए। नहीं, आपके बारे में नहीं, अलग अलग, इग्नोर। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। रे चीते, जो हो रहा है ना, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो उन्हें झूठ बोला है कि हम 40 साल के, और हमने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, जबकि हमारी उम्र 50 साल है। क्या? तू 50 साल की है? ये 50 की है? जी, कितनी बार बोले? अरे मेरे को शादी करके हनीमून पर जाना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी। जयराम जी की। डैडी, अब हम हाँ समझे या ना? चला डैडी, डैडी, डैडी। पुष्पा जी। अरे रे मैडम, दड़बा से मुर्गी बाहर आ रही है पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, आराम से, आराम से। पुष्पा जी, अरे किसका है इंतजार? मैं हूँ ना, मैं आपसे शादी करूंगा। क्यों करेंगे? अब हमें वो बात कहाँ रही? अरे हमें वो बात कहाँ है, लेकिन खूब जो है हम लोगों की जोड़ी जमेगी, जिनमें कोई कुछ बात नहीं है। हमें माफ कर देना बेटा, झूठ नहीं बोला गया हमसे, मगर तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो हम जल्दी किसी को ढूंढ लेंगे और शादी कर लेंगे। अब हम तुम्हारे और लल्ला के बीच में बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगे। अब लल्ला को हमारी वजह से उसकी गृहस्थी खराब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कर लेंगे शादी। अरे यही तो हंसने खेलने के दिन है तुम लोगों के, बस तुम दोनों खुश रहो, बस यही तो चाहते हैं हम। समझ रही हो हमारी बात को? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को। क्या हुआ पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं करेंगे आप किसी से भी शादी। अरे आपको पता है, आप भोलेनाथ का कितना बड़ा आशीर्वाद है, आप हमारी जिंदगी में सास नहीं, आप हमारी माँ है। ऐसे ही बिना आपके ये घर बिल्कुल हिल जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं, आप बहुत जरूरी है हमारे लिए, आप बहुत जरूरी है लल्ला के लिए, और आप बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये सब एक नाटक था। ये हम नाटक कर रहे थे कि मैडम सर बताएंगे। पुष्पा जी, इस सब के कसूरवार हम हैं,
हम ही ने करिश्मा सिंह से कहा कि किसी तरीके से आपको दूसरी शादी के लिए कन्विंस कर लें ताकि आप जो के पास जाएं और हम जो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें इस केस को सॉल्व करने के लिए। नहीं, मगर वो दुबई जाने वाली बात वो सब भी झूठ है, कोई कहीं नहीं जा रहा। और इन दोनों का झगड़ा वो भी सब झूठ है, सब कुछ नाटक था पुष्पा जी। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब हमारी गलती है। हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे लेकिन हम मजबूर थे, हम डर गए। हमें लगा कि हम आपको बताएंगे कि नाटक करना है तो आपके ओवर एक्टिंग की सुनामी से, मतलब आप, हाँ बस वही है। अब जो है तो सच ही ना हो क्या। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब हमारी इतनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा को आपने ओवर एक्टिंग की सुनामी कह दिया, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप। और आप हमारी तरफ देखिए, हमसे ही अभिनय सीख कर हम ही पर आप ये पैतरे आजमा रही हैं। हाँ, मतलब हमारी बिल्ली हम ही से मैं हूँ। आप घर आइए, फिर दिखाते हैं आपको, आपको भी और हमारे नालायक लल्ला को भी। जी खैर, राहत की बात तो ये है कि अब हमें शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको कोई बार तक छोड़ दे। हाँ हाँ, मैं छोड़ दूंगा बार तक। इस बार की बात नहीं कर रहा है, ताने के पार हमको कोई छोड़ दे, नहीं तो हम अपने होश खो बैठेंगे। जाओ, जाइए जाइए, छोड़ कर आइए उन्हें बार। छोड़ देते हैं, छोड़ देते, छोड़ दो। आराम से बिलो, आराम से बिलो। साहब साहब आइए। ये जो झपाटा जो है ना, ये सब इसी का किया धरा है। नहीं छोड़ेंगे हम इस टोपा इंसान को। संतोष शर्मा, चांदनी को फोन लगाइए। जी मैडम। अब बिना झूठ बोले ना, सब सच उगल दो एक सेकंड में। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने चांदनी मैडम के बायोडाटा में सब कुछ झूठ झूठ लिखा। नहीं लिखता तो चांदनी मैडम किसी और मैरिज ब्यूरो के पास चली जाती, वो भी वही लिखते जो मैंने लिखा था। मैडम आज के टाइम कोई सच बोल के रिश्ता नहीं कराता है, सब कोई झूठ बोल के ही रिश्ता कराता है। ये क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई मार्केट में जाकर प्याज टमाटर खरीदने जैसा हुआ क्या कि पसंद नहीं आया तो कुछ और ले लिया। और वैसे भी झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता वैसे भी कब तक टिकेगा। कौन सी दुनिया में रहती है मैडम आप? आप ही सोचिए मैडम, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने अपने बायोडाटा में सब कुछ सच सच लिखवा रखा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की बुनियाद झूठ से ही हो। कुछ साल रुक जाइए मैडम, आप भी अपने बायोडाटा में झूठ झूठ लिखेंगी। आपको ये जानना होगा, कोई माने या ना माने, हकीकत यही है मैडम, सबको झूठ से मतलब है, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बायोडाटा। सच तो मैडम यही है कि आज भी कुंवारी लड़की को और बेरोजगार लड़के को घर में बोझ ही समझा जाता है। मैडम सर, बात बहुत कड़वी है मगर सच है। पहले के जमाने में भी तो यही होता था, बिचौलिए जो होते थे वो झूठी सच्ची कहानी बनाकर लड़की की किसी भी तरह से बस शादी करा देना चाहते थे। हैरानी की बात तो ये है मैडम सर कि घर की बड़ी औरतें भी इस झूठ में शामिल हुआ करती थी। फिर क्या, एक बार शादी हो गई जान छूटी, जिंदगी भर लड़की ससुराल जाने के बाद इसी झूठ का बोझ उठाती रहती। क्या बदल गया आज, उन बिचौलियों की जगह इस जैसे मैरिज ब्यूरो वालों ने ले ली। ठीक कहा मैडम आपने, यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम लोगों की सोच में है मैडम, उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है। अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर पे मरने से ना तुम्हारा पाप कम नहीं होता है। हमारे नजरों में तुम गुनेगार हो और गुनेगार रहोगे। चलो अंदर, चलो। रुक जाइए करिश्मा सिंह। क्या कर रही हैं आप? इस लालची के साथ जो होना चाहिए हम वही कर रहे हैं मैडम सर। इसने जुर्म किया है और अपने मुंह से कबूला भी, इस पे ठोकेंगे हम चार्जशीट और इसको पेश करेंगे हम कोर्ट में, अभी के अभी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी मैडम जी, आपने हमें बुलाया किस लिए? आप ही का इंतजार था,
जो ने अपनी गलती कबूल कर ली है उसने मान लिया है कि बायोडाटा में हेराफेरी उसी ने की थी। संतोष शर्मा, चांदनी को लॉकअप में डालिए। इस बेचारी को क्यों, गलती तो इसने किया ना मैडम से, तो फिर आप बेचारी, किसने कहा ये बेचारी, किसने बना दिया इन्हें बेचारे? एक इंसान जिसने ये हेर फेर किया और दूसरा इंसान जिसने इसे ठुकरा दिया और इसे सजा खुद को दे रही है, क्यों हो गई बेचारी? आपके साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तजुर्बा कहता है हमारा कि जुल्म करने से बड़ा गुनहगार होता है जुल्म सहने वाला, इसलिए हमारी नजर में जो से बड़ी गुनहगार आप हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी, सारी उम्मीदें हम लड़कियों से ही क्यों, पसंद नापसंद के सारे अधिकार लड़कों को ही क्यों, सारी गलती हमारी है, आप हमें डाल दीजिए जेल में। शांत 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 हो जाइए मैडम सर, हम आपके एक एक शब्द से सहमत हैं। अब आपने इतना बड़ा क्रांति उठाया मैडम सर, तो फिर क्या सोचा है आपने कि आप इस सोच को कैसे बदलेंगे? दरअसल सच बात यह है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं। इनफैक्ट हम आप सबसे पूछना चाहते थे कि क्या करें, इनफैक्ट हमें आप सब क्या कर रहे हो इतनी देर से, तुम सोच रहे हैं तो सीधा खड़े हो कि नहीं सोच सकते हो, तब से यूं बुलबुला रहे हो, कितनी देर से देख रहे हैं तुमको। ठीक है, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? अरे क्या बताएं, कल इनके मरद के रेडीमेड गारमेंट के शॉप पर गए थे मैडम सर, है ना, हम सोचे कि कच्छा बेच रहे हैं, अच्छा आदमी है, अच्छा कच्छा बेचता होगा, हम दो ठो कच्छा खरीद लिए पुष्पा जी, अब कच्छा पहन लिया वही चुभ रहा है। आपके मरद एक मिनट, ये क्या विजिटिंग कार्ड लिखे हैं, कुमार कच्छे वाला, पहन के बन जाओ सुपर हीरो बने, केकड़ा बन गए, भालू बन गए हम यहाँ पर। काट देना ये लिखा है ये पुष्पा जी, जाओ अंदर जाके ठीक करके आओ, जाओ। संतोष शर्मा, मंगेश को बुलाइए, इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें नजर आ रहा है। मिस्टर मंगेश, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, हमने गुनहगार को पकड़ लिया है, तो अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। देखिए मैडम, बेशक जो ने अपना अपराध कबूल कर लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इन्हें स्वीकार कर लेंगे वो भी ऐसे ही। देखिए, हमें ये बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे शादी से पहले हमें इनके बारे में बताया गया था, एकदम परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न। परफेक्ट मतलब जैसे दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता वैसा परफेक्ट, वो आपके लिए क्या सुपर वुमन बन के बताए आप, और ऐसा क्यों करें वो? क्योंकि शादी से पहले जो इन्होंने लिख कर दिया था उसके अंदर यही सब लिख कर दिया था ना, और अगर वो लिख कर दिया था तो अब उसको पूरा भी करना ही पड़ेगा, यही कायदा है, नहीं तो फिर ये चीटिंग कहलाएगी ना मैडम। वैसे चीटिंग तो हमारे और हमारे लल्ला के साथ भी हुई है, फोन के डब्बे में ट्रांसमीटर मिला है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, शायद उड़ भी जाऊंगा। आ रहा पुष्पा मौसी। दीदी। हाँ दीदी, लेकिन हम उड़ेंगे। अरे क्या टोपा गए हो क्या, एकदम पोज मार के खड़े हो, गिर जाओगे, लग जाएगी, इधर आओ। अरे नहीं मैडम, हम टोपागिरी नहीं कर रहे हैं, ये जो आदमी है ना इसका बनाया वो कच्चा है, इसको पहने हम लोग। अरे मैडम, इस पर लिखा हुआ है जो इसे पहनेगा वो सुपर हीरो बनेगा, जो हम बन गए। हमने कुमार कच्चे वाले का कच्चा पहना, अब हम उड़ेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उड़ो। और फिर ऊपर जाके ना ऐसे देखो, कहने वाले थे। अरे मैडम, क्या उड़ो उड़ो बोल रही हैं आप, वो गिर जाएंगे, गिर गए तो मर जाएंगे वो। मैडम कुछ तो सोचिए ना, और ऐसा कहीं होता है क्या? होता है, होता है, एकदम होता है भैया। ऐसे आप बगलोल टाइप के आदमी थोड़ी हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड पर कुछ भी लिखवा दीजिएगा। देखिए क्या लिखवाया है, पहन के बन जाओ सुपर हीरो। देखिए आप खुद लिखवाया है ना, आप लिखवाए तो होता ही होगा। ये बदनाम भाई, ये कन्विंस हो जाए कि नहीं, नहीं तो अगर हमें कूदना पड़ा तो गद्दे तो नहीं दिख रहे हैं। बाबा दुआ कर कि गद्दे सही समय पे आ जाए। उड़ना दीजिए ना जी, कूद, उड़ो उड़ो उड़ो। मैडम मर जाएंगे ये लोग, क्या कूदो कूदो बोल रहे हैं आप सब लोग। रुक जा भाई, मैडम रोकिए इन्हें। अरे रोकिए भैया, अरे रोक लो इन्हें। अरे नहीं, 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 नहीं
ये तो उड़ा ही नहीं। इनका क्या उड़ गया? बाप रे, प्राण पखीर उड़ गए। लेट मी चेक फर्स्ट, नाड़ी शोधन। जिंदा है। अरे भैया फिर एम्बुलेंस बुलाओ ना, डॉक्टर बुलाओ किसी को। ना ना, एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस का स्ट्राइक है आज। आज? हाँ। अरे यार, अरेस्ट हिम। मैडम मैंने क्या किया? क्यों, आप ही की एडवर्टाइजिंग कंपनी का स्लोगन है ना कि हमारा कच्चा पहनिए और उड़ जाइए। इन लोगों ने उस बात पर यकीन कर लिया, आपकी वजह से इन्होंने ऐसी हरकत की है। और देखिए ये ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैडम मैडम, वो तो हमारी मार्केटिंग है ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम कुछ भी लिख देते हैं। और वैसे देखिए, सबको पता है कि उड़ने वाले कच्चे जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और अगर उसके बाद भी कोई इस पे विश्वास करता है तो वो उनकी गलती है, हमारी नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक, इसी तरह जब इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर लोग अपने पार्टनर से परफेक्शन की उम्मीद करते ही क्यों हैं? और नहीं तो क्या, दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं। हम इंसान हैं, सब में कमियां होती है। सही मायनों में यही कमियां जो होती है वो हमें निरंतर और अच्छा और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, अगर जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता, किसी में अगर कमी ना होती तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाती ना, मतलब रूठना मनाना नहीं होता, झगड़े नहीं होते, कितना बोरिंग होता, कितना कितना रसी नहीं होता जिंदगी में। पति पत्नी का रिश्ता जो है ना वो कमियों से ही बनता है, कमियां जो है उसका मेन आधार है। बिल्कुल सही, रिश्ता कोई भी हो, इंसान कोई भी, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। मुझे माफ कर दो चांदनी, खुद में हजार कमियां थी लेकिन परफेक्शन बाहर ढूंढता रहा, और तो मेरी सोच में था तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। अब सवाल ये है कि मैं जैसा भी हूं क्या तुम्हें मैं स्वीकार हूं? हाँ। मैडम जी, जो आपने कहा वो कर दिखाया, हम अपने घर जा रहे हैं, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। हमारी तरफ से आपके इस थाने की जादू की छड़ी के लिए एक सल्यूट तो बनता है। चाय पी रहे, फटाफट हाथ पैर चलाओ ना, जाओ यहाँ से, वहां जाओ। बिल्लू, बिल्ले, बिलोटे, बिल्लू मेरे भाई, हट हट, अरे किताब दे दो, अरे मेरी किताब, अरे मुझे पढ़ना है, अरे मुझे पढ़ना है, अरे मेरी किताब दे दो। माँ, ये देखो मैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ किताब। बच्चा बेचारा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहे हैं उसको, ये लो। थैंक यू माँ। ये बच्चा वैसे क्या है ये जो तुम इतना मन लगा के पढ़ रहे हो? नायाब किताब है, आज देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर है, चोर उचक्कों की जुबान पर है। ये किताब नहीं, हमारे चोरों पर ये राइटर दोनों हाथों से अपने अली बाबा का खजाना लुटा रहा है। हाँ सुनो, ये राइटर है, इसकी पहली किताब छपी, जैसे ही छपी पहली चोरी हुई। पहले किताब की कहानी क्या थी? म्यूजियम में ऐतिहासिक बेशकीमती तलवार फुर हो गई। सेम वही वारदात असलियत में हुई, तलवार चोरी हो गई, फिर दूसरी किताब छपी, ये भी चोरी की वारदात पर ही है। बस अभी देखना यह है कि चोरी कहाँ कब कैसे होती है। अच्छा अच्छा, किताब का नाम क्या है? हाँ, किताब का नाम रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार। बिल्लू पढ़ के सुना, हमें सुनिए। हाँ, हमें सुनाता हूँ। 300 साल पुराना एक बेशकीमती हीरा, हीरे का नाम है दिलकश। गवर्नमेंट के अभिलेखागार, अभिलेखागार नहीं लिखा है, आर्काइव्स बोलते उसको। अच्छा, गवर्नमेंट के आर्काइव्स, आर्काइव्स सेंटर ले जाया जा रहा है।
हीरे की सुरक्षा के लिए दो बहुत ही बहादुर ईमानदार और काबिल हथियारबंद पुलिस ऑफिसर उसके साथ सफर कर रहे हैं। हीरे को पूरी हिफाजत से आर्काइव सेंटर पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं दो बहादुर पुलिस ऑफिसर को दी गई है, मलिका हबीब और सुष्मिता सिंह। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही? देखिए आप प्लीज हीरे का टेंशन मत लीजिए, हम उसे सही सलामत रेस्टोरेशन सेंटर पहुंचा देंगे, फिर हमारा काम खत्म। नहीं नहीं मैडम सर, वो बात नहीं है, वो ठीक से सो नहीं पाए। क्यों? पुष्पा जी की वजह से। हमें जब से उनको पता चला है कि ये जो दिलकश हीरा जो है उसका रखवाली करने के लिए हमें रखा गया है, तो वो एकदम से सकपका गई है। कह रही है कि वो दिलकश हीरा जो है उसका उनको दर्शन करना है, एक बार देखना है। ऐसा हीरा है जो हम कहाँ से दिखाए, कहाँ से दर्शन कराए, हमने खुद ही नहीं देखा अभी तक। अब चोरी वोरी करना पड़ेगा उनके लिए लग रहा है। क्या चोरी? नहीं 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 भाई साहब, आप घबराइए, मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं? अरे आपके दिलकश हीरे की रखवाली करने के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि चोरी नहीं करेंगे। वैसे दिखा सकते हैं, मतलब हमें ऐसी हम भी तो देखे झलक है क्या ये दिलकश हीरा? हाँ वैसे मन तो हमारा भी है। अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया है ये तो, इसका रोशनी से एकदम हमारी आंखें चकाचौंध हो गई है। ऐसा शानदार झिलमिलाता खूबसूरत हीरा जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। पता नहीं कितनी बार कितने महारथियों ने उस हीरे को चुराने की लूटने की कोशिश की, पर हर बार नाकामयाब। कोई उस हीरे को छू तक नहीं पाया। कहा जाता है कि उस हीरे में कोई ऐसी पावर है जो कोई कभी उसके पास भटकाई नहीं। यहाँ भी दिलकश उतने ही सुरक्षित हाथों में था। फिर भी दोनों पुलिस अफसर होशियार थे, चौकन्ने थे, क्योंकि वो जानते थे कि दिलकश को चुराने की कोशिश जरूर होगी। और हुई, हाँ, हाँ, कोशिश हुई। अचानक एक जगह भीड़ की वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा। अरे माँ, क्या? रुको। कहीं भी शुरू हो जाते हैं। पर असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। गाड़ी ट्रैफिक में रुक जाती है और अचानक एक भिखारी इशारे से खाने के लिए मांग रहा है। चलिए चलिए आगे बढ़िए। भैया बोल दिया ना, नहीं अभी जाइए ना। मैडम सर कुछ है तो दे दीजिए इसको, ये नहीं जाएगा ये। ये तो जाना होगा, नहीं तो ये सुबह तक खाली नहीं होगा। चलिए आए। हाँ अरे क्या हो रहा है, हटाइए ये सब। अरे जल्दी जल्दी कीजिए ना। चलो चलो चलो, चलो जल्दी। क्या कर रहे हैं, निकालिए दो में है क्या? रखिए ये सब, चलिए उठाओ ये सब, चलो। फाइनली चलिए। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप वो डायमंड तो ले लीजिए जिसके लिए आए। सॉरी मैं भूल गया था। हर कोई गाड़ी का दरवाजा खोलने की जी जान से कोशिश कर रहा है पर गाड़ी के दरवाजे खुल नहीं रहे। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बिना ड्राइवर बिना पैसेंजर की गाड़ी का स्टीयरिंग घूमने लगता है। करिश्मा सिंह, गाड़ी खुद ब खुद मूव करने लगती है, तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ये कैसे? दोनों ऑफिसर गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं, सब बेकार क्योंकि गाड़ी गायब हो जाती है। ओहो, एक अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय, असाधारण। बस बस अभी नहीं सुननी हमें कहानी, बस बहुत हो गया, हमें डर लगने लगा है। मा? नहीं नहीं बस नहीं नहीं एक काम करो, डर तो हमें भी लग रहा है लेकिन बताओ कहानी, हम आगे जानना चाहते। अरे हमने कहा ना
आगे कहानी नहीं पढ़ोगे तुम, बदना चाय लेकर आ। पुष्पा जी ले ले पड़ा। माँ ने कहा ना नहीं मतलब नहीं, नहीं होगी कहानी आगे। बस एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, साइलेंट पे है, वाइब्रेट हो रहा है। हेलो, आई एम बिलू द स्पाई, ओवर एंड आउट। ए नहीं बोलो तुम, क्या है? क्या हीरा चोरी हो गया? आज हम सबके लिए दम आलू बनाकर लेकर आए हैं। हाँ? अपने हाथों से। हाँ? आजा आजा चख के बताओ कैसा बना। आई आई दीजिए दीजिए संतोष, टेस्ट कीजिए आप। कैसा बना है, कैसा बना है? पुष्पा जी बहुत टेस्टी बनाई है। तो खाइए खाइए। हम तो बिल्ले, आ बैठो खाओ। आओ, ये हो ही नहीं सकता। क्या हम दम आलू नहीं बना सकते? चोरी है। हमने कोई चोरी नहीं की, अपने हाथों से बनाया है। तुमको खाना है तो खाओ वरना जाओ। पुष्पा जी रेसिपी बताओ ना इसकी। इसकी रेसिपी बताएं? बताते बताते एक मिनट। सबसे पहले ना अपने बहू के साथ झगड़ा करो। हाँ? उसको कोसो, उसको ताने मारो, उस पर बर्तन फेंको, उसको खरी खोटी सुनाओ। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे मूड खराब होगा ना। बहू का? ना ना, सास का। नहीं एक सेकंड पुष्पा जी, उसका ये दम आलू की रेसिपी से क्या कनेक्शन है? अरे टोटका है ये। हाँ ऐसा कहते हैं कि बहू से झगड़ा करते करते अगर हम दम आलू बनाते हैं ना तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। अच्छा तो आप कह रही हैं कि दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैं शादी करूं, हैं? शादी करने के बाद बच्चा करूं, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी भी नहीं होगी, तो उसके बाद उसकी भी शादी कराऊं, और उसके बाद अपनी बहू से झगड़ा करूं, उसको मारूं पीटूं, बर्तन फेंकूं उसके ऊपर, और उसके बाद दम आलू जो है वो टेस्टी बनेंगे। ना संतु जी, आप ना खाली शादी कीजिए, बाकी का सारा जिम्मेदारी हमारा। तो क्यों जिम्मेदारी लेगा? मेरा पति होगा ना। समझ जा, वक्त है ये आलू में दम ही नहीं है। अरे खाया होता तो पता चलता ना। हा? मैंने खाया नहीं। ओवर एक्टिंग कर का। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। इसकी मैया का सासू मैया पहली बार खुद को चूरन बनते हुए देखा है। खुद की नजरों के सामने समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया एकदम से, और खुद को कुछ समझ में नहीं आएगा तो डिपार्टमेंट को खाक समझाएंगे हम। अरे मगर हुआ क्या? हम समझाते हैं ठीक से। हुआ ये कि हम लोग उस दिलकश नाम का जो डायमंड है उसे लेकर जा रहे थे। हमें तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। क्या मतलब बिना ड्राइवर के गाड़ी अपने आप लॉक हो गई और शुरू हो गई और चल पड़ी? एग्जैक्टली। मैडम सर मुझे कुछ कहना है। हाँ बिल्लू, बाद में आराम से बात करेंगे, अभी प्रॉब्लम चल रही है। करिश्मा मैडम प्लीज, मुझे कुछ कहना है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको हम समझाते हैं। चलो चलो। मामा मैडम मुझे मुर्गा बनाओ, मुर्गी बनाओ, गाय बनाओ, बकरा बनाओ, चिंपांजी बनाओ, बंदर बनाओ, कांगारू बनाओ, जो चाहे बनाओ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं चाहता हाय। क्या बकना है तुमको? आजकल मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उसमें जो चोरी की वारदात की कहानी लिखी हुई है वैसी की वैसी कहानी आपके साथ हुई है। वो दिलकश हीरा कहानी में जैसे ही चुराया गया है वैसे ही आपके साथ हुआ है। अब कौन सी किताब है ये? वही किताब, रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, जिसका राइटर है मोहन प्रजापति। अब कौन सी किताब है ये? वही किताब, रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, जिसका राइटर है मोहन प्रजापति। उसके पहले जो किताब मार्केट में आई है एकदम बेस्ट सेलर है, और जो वो किताब है उसकी जो कहानी है वो सेम चोरी की वारदात पर लिखी हुई, और वैसे ही वारदात समाज में घटी है। और ये दूसरी किताब अभी छपी है, रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, उसकी भी चोरी की वारदात की कहानी आपके साथ घटित हुई, सेम टू सेम, कुछ भी इधर उधर नहीं है। मैडम सर हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्लू ने ये किताब पढ़ी है और उसने आप लोगों के साथ जो हुआ ना ये हमें पहले ही बता दिया था। सही कह रही है पुष्पा जी, आप भी कर लीजिए बकैती। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी सुना है क्या? कभी देखा है क्या? नहीं मानेंगी। ये तंत्र जाल मंत्र जाल क्या है ये सब? ये पॉकेट बुक्स पहले के जमाने में छपता था, कोई नहीं पढ़ता। आज के जमाने में तो कोई बुक नहीं पढ़ता है, सबके हाथ में ना ये इंटरनेट बाबा है, सब इसको ही पढ़ते हैं आजकल। बुक पढ़ने का बात कर रहे हो तुम? मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। प्लीज 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 सुन लो, प्लीज सुन लो प्लीज। तुम्हारी करिश्मा सिंह सुनाओ। और फिर
अचानक गाड़ी के पास एक भिखारी आता है, नूडल जैसे लंबे लंबे झाड़ छंकाड़ बाल, खिचड़ी दाढ़ी, काले ओठ, लाल आंखें, गंदे हाथ, लंबे नाखून। गाड़ी का शीशा ठकठकाता है, इशारे से खाने को कुछ मांगता है और फिर वैसे ही चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ये कैसे हो सकता है? तुम काहे चुप हो रहे हो, तुम बढ़ो आगे। हाँ तब यहां पता चलता है चोर बल्कि कोई और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तब यहां पता चलता है चोर बल्कि कोई और नहीं, अरे बोलोगे? टू बी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यूड, ये कैसा नाम है? मतलब कि अब अगले पार्ट में वो बताएंगे कि कौन है चोर। थैंक यू। नहीं नहीं वो तो पता है हमें संतू। ओह हाँ, मगर पढ़ेंगे क्या? अभी तक किताब छपी नहीं ना। तीसरा पार्ट आया ही नहीं, ये दूसरा पार्ट है। हमें सब बकैती है, ये ऐसा नहीं होता है कि किसी को किसी का भविष्य पता चल जाता है। ये तो एक संजोग का बात हो गया कि वहाँ पे लेखक ने कुछ लिख दिया और बिल्कुल हमारे साथ पैसा हो गया। नहीं मानते हम इस बकवास में, समझ गए? संजोग, वो भी दो दो बार, कोइंसिडेंस। पहले ही इस लेखक की जो किताब आई है उस पर सेम टू सेम ऐसी वारदात हुई है, अब ये इनकी तीसरी किताब, जो लिखा है वही हुआ है, वैसे कि वैसे। कैसे? देखो फिलहाल हमारे पास इस नॉनसेंस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हेडक्वार्टर से बार बार हमें फोन आ रहा है, हमें डीएसपी सर को रिपोर्ट करना है, ठीक है? फिलहाल आप लोग इसके बारे में पता लगाइए। क्या नाम है किताब का? रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार। हाँ, किताब के बारे में पता लगाइए संतोष शर्मा, और इसका जो राइटर है मोहन प्रजापति। मोहन प्रजापति, इसके पहले उनकी कौन सी किताब आई थी, इसके बाद कौन सी आने वाली है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सब कुछ निकालिए। क्लियर? फिर से मैडम सर अपने जज्बात के तरीके से केस सॉल्व करेगी, मगर हम इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इज्जत का सवाल है, हमें ही कुछ करना होगा। टाइगर और किरण दोनों हेड कांस्टेबल। ए बिल्ले बिल्ले उनको सुनना सुनना। ए बिल्ले, एक मिशन पे भेजा गया था। हम ही बोल रहे ना कि बिल्ले दोनों कांस्टेबल लोग है ना, टाइगर और किरण, ये दोनों लोग के बीच में क्या हुआ? और कुछ बातें हुई लैंप पोस्ट के नीचे। अरे और अचानक लैंप पोस्ट, क्यों लैंप पोस्ट छोड़ू? पकड़ के रख लैंप पोस्ट अपना। हमको खाली इतना बता दे कि टाइगर और किरण जो दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, सब शादी करना चाहता था, सब पूरा जिंदगी साथ में बिताना चाहता था, सब ये चीज हुआ कि नहीं बिलाटे, बताना। जीते मैं नहीं तुझे बता सकता, तेरा दिल टूट जाएगा यार। काहे काहे शादी नहीं हुआ का उन लोग का? नहीं 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 शादी तो हुआ। फिर काहे दिल टूटेगा हमारा? आपस में शादी नहीं हुआ, अलग अलग शादी हुआ। कुछ भी हो जाए बिलौटे, किताब ना संतू जी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, पढ़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, भौचाल हो जाएगा। तो दूसरा बिल्लू जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो राइटर है मोहन प्रजापति, इनकी पहली दो नॉवल पर ऑलरेडी चोरी की वारदातें हो चुकी है, ठीक उसी तरह जिस तरह उनके नॉवल में लिखा हुआ था। देखा, हमने कहा था ना कि बिल्लू जो कुछ भी कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा है। आपने कब कहा था? अरे हमने कहा था, तुमने सुना नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें वो पहला एडिशन पढ़ना चाहिए, हो सकता है उसमें हमें चोर के बारे में पता चले। आपको ये किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना? अरे लेखक कुछ भी लिखा हुआ है। हे भगवान, बच्चे हो तुम दोनों, किताब फाड़ दी। वैसे भी पढ़ के कोई फायदा नहीं था। क्यों? मतलब पूछ रहे ना। हाँ पूछो पूछो। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में चोरी के बारे में लिखा है, चोर के बारे में नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि तीसरे पार्ट में चोर के बारे में लिखा होगा, तो जब तीसरा पार्ट हमारे हाथ में आएगा हम चोर को पकड़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी संतोष जी, पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ होगा और लिखा भी हुआ होगा तो वो फाइनल टच करते होंगे, और फाइनल टच करने के बाद वो हमें क्यों देंगे? वो देंगे पब्लिशर को, दैट्स ऑल। वैसे बात तो सही है,
कैसे देगा वो? हाँ एक हो सकता है, अगर कोई बड़ा अफसर जाके अपना भौकाल दिखाकर उसे किताब मांगेगा तो वो दे सकता है ना, मगर ऐसा कौन करेगा? मैडम सर तो ऐसा करने से रही, और हमारी लाडली करिश्मा जी जो है वो मानती नहीं ना कि ये सारी घटनाएं जो घट रही है वो किताब के अनुसार ही घट रही है, तो फिर कौन जाएगा उसके पास? कौन जाएगा? मुझे पता है कौन जाएगा। कौन? कौन? बिल्ली। What happened, माँ? बिल्ली, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? माँ, you like करिश्मा सिंह जैसी एकदम स्लिम फिगर कड़ाकी? उससे भी बेहतर माँ। दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा न देखा। माँ, डायलॉग मारना है, निगलना नहीं है। क्या कर रही हो तुम? लेडी दबंग ऑफिसर बनना है? आपकी बहू तो आपके सामने पानी कम चाय है। आप भोकाल का ओरिजिनल हो, रूट हो, आपके नस नस में भोकाल है, निकालो उसको बाहर, पहनो चश्मा। गुड, किचन घुमाओ, जाओ बजा दो घर की घंटी। बेस्ट ऑफ लक माँ। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह, हम अंदर आ सकते हैं? ना ना मत बोलना, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा ना देखा। मैडम, आप ऑलरेडी अंदर हैं, और यही बात अगर आप आराम से भी कहती तब भी मेरा जवाब यही होता। आइए। क्या बात है, बहुत किताबें हैं आपके पास। हाँ तो भैया, क्या बात है, दो ही किताबों में काफी नाम कमा लिए हो तुम, बहुत चर्चा हो रहा है तुम्हारा। देखिए मैडम, बात को घुमा फिराकर करने कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। मैं पहले भी हजारों बार पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट लिखवा चुका हूँ, पुलिस कमिश्नर के सामने मेरा बयान हो चुका है। मेरी पहली दो किताबों पर जो क्राइम हुआ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। अगर आप उस घटना के लिए मेरे पास आई हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। हम उसके लिए नहीं आए। तो किसके लिए आए हैं? आपका जो तीसरा किताब है ना, जो अभी तक छपा नहीं है, वो चाहिए हमको। आपको चाय कॉफी जूस लेंगी? हाँ, पानी लाता हूँ। क्या करूं भूखा? अरे हम कोशिश कर रहे, बिले नहीं। एसआई करिश्मा सिंह? हाँ, कहाँ है, कहाँ गई, चुड़ैल आ गई। आप ही तो हैं? हाँ हाँ हाँ, अरे हम ही हैं करिश्मा जी। हाँ हाँ, अपने नाम से कौन डरता है? भौकाली इतना है ना कि कभी कभी अपने नाम से डर लगता है। तो क्या बात है ना भैया, दिलकश का चोरी, वो इस बात का प्रमाण है कि कोई तो है जो आपके इस किताब को ना अपना गुरु मानकर चोरी की वारदात किए जा रहा है। अब वो चोर एक है, अलग अलग है, या फिर गिरोह, वो तो तभी पता चलेगा ना जिस दिन हम उस चोर को पकड़ेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? जी हाँ। और इसीलिए हमको आपका वो तीसरा किताब चाहिए जो अभी तक छपा नहीं है। जी जरूर देता, मुझे पुलिस की मदद करके खुशी मिलती, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट से मैं बंधा हुआ हूँ। उसमें मेन क्लॉज है कि पब्लिकेशन से पहले बुक को ना मैं किसी को दिखा सकता हूँ, ना ही उसके बारे में किसी से बात कर सकता हूँ। इसलिए आई एम सॉरी, इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्लू चंपत, अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी दम है तो ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। ओके। अरे ये कैसे? एक सुलझा हुआ तेज दिमाग छोटी से छोटी बात को कभी नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि अक्सर बड़े राज का पर्दाफाश छोटे सुराग से ही होता है। याद रखिए, हर किरदार कुछ कहना चाहता है।
ये हमसे कैसे छूट गया? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। इतनी रात को आप फोन कर रहे हैं, सब सब ठीक तो है ना? हमने अभी अभी ये किताब रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार अभी इसे जस्ट पढ़ा है और जो जो बातें इस किताब में लिखी है एग्जैक्टली वही की वही बातें रिपीट हुई है, पर एक चीज है जो मैच नहीं कर रही है, उस भिखारी का हुलिया उसकी शक्ल से। हमें लगता है उस भिखारी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप सही कह रही है मैडम सर। करिश्मा सिंह तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आ रहे हैं। अभी अभी इस वक्त कहाँ मैडम सर? इस वारदात की जगह पर। हमें वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करना होगा। पर मैडम सर इस वक्त आप? जी हाँ इसी वक्त। ठीक है मैडम सर, हम रेडी हो जाते हैं। रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार पार्ट 3 लेखक मोहन प्रजापति। इसकी तो ले रहा है, सो गया होगा। है दरवाजा लॉक हो गया अलमारी का। छोड़ जाने दो, यही बैठे बैठे स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं आगे की कहानी क्या लिखी है इसने। फोन? अरे हमारा फोन, फोन घर पे भूल गए, जा भी नहीं सकते, देर हो जाएगी। ठीक है वहां जाकर देख लेंगे, करिश्मा सिंह तो है। मैडम सर की जान को खतरा। मैडम सर को कैसे? मैडम सर को बताना पड़ेगा। दरवाजा नहीं खुल रहा है मैडम सर, फोन नहीं उठा रही। करिश्मा मैडम को फोन करता हूं। बिल्ला? हाँ बिल्ला बोलो। मैडम सर के गाड़ी में बॉम्ब है, वो कभी भी फट सकता है। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आधी रात को तुम क्या बॉम्ब की बात कर रहे हो? हाँ तुमको मजाक सूझ रहा है अभी इस वक्त? ज्यादा मजाक किया ना, तुम्हारे मजाक का बत्ती बना के तुम्हारे कानों में ठूस देंगे, समझे? रखो फोन। मैडम 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 प्रैंक करने के लिए ऐसा घटिया मजाक कैसे कर सकता हूँ मैं वो मोहन प्रजापति है ना, राइटर। हाँ उसके घर में चुपके से घुस के आया हूँ वो तीसरे किताब के चक्कर में, और वो मैंने पढ़ी है और उस पर लिखा है कि वो जो तो अफसर है जो हीरे की सिक्योरिटी के लिए तैनात की है उनमें से जो एक अफसर है, मैंने कहा अभी उसके गाड़ी में बॉम्ब लगाया जाने वाला है। क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, मैंने कहा अभी मतलब अपनी मैडम सर की गाड़ी में बॉम्ब है और उनकी जान को खतरा है। अगर मैडम सर गाड़ी में है या गाड़ी के आसपास है तो मैडम सर
चाहिए। प्लीज करिश्मा मैडम, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ मैडम सर, अभी हमें लेने ही आने वाली थी, लेकिन हम जाते हैं उनके पास, ठीक है? मैडम सर को बचाइए। यार बिल्ली तो स्पाई, ये दरवाजा तुमको खोलना ही पड़ेगा। ये क्या आवाज है? हम दूर से चेक करें, आप वहीं खड़े। नहीं हम कॉल लगा रहे हैं उनको। एक सेकंड मैडम साहब, ये देखिए, ये नकली बॉम्ब है। ये असली बॉम्ब है ही नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए लगाया गया, ये फटेगा नहीं। वायर ही कनेक्टेड नहीं, पर ये काम करेगा कौन? इसकी मैया का सासू मैया, पिल्ला ना कसम से। पिल्ला? हाँ। मैडम सर, हट जाओ, उस गाड़ी में बॉम्ब है। मैडम सर, हट जाइए, मैडम सर गाड़ी में बॉम्ब है। कहाँ बॉम्ब है? तुम्हें तो ये बॉम्ब है, ये बच्चों वाला बॉम्ब बॉम्ब होता है। तुम्हारे चक्कर में एक एक सेकंड हजार मौत मरे हैं हम, कि मैडम सर को कुछ हो जाता तो ये बॉम्ब है। तुम्हारा वो हाल करेंगे ना बिल्ले हम, कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम थे या हो। मैं बस मैडम सर के लिए ये बॉम्ब, ओ किताब में लिखा था इसलिए। सॉरी। चीते हम तो शीर्षासन में हैं, ये कोई आसान है क्या? चीते मुझे छोड़ दे, मैं करिश्मा मैडम को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। बिलोटे, लेकिन एक शर्त पर ना, हम तुम्हारे हाथ को आराम दिलवा सकते हैं। तुम खाली बिलोटे हमको बता दे कि टाइगर वा और किरण के साथ क्या हुआ, लास्ट में उन्हें मिले कि नहीं? कितनी बार मैं कितनी बार बताता हूं, वो नहीं मिले, उनका मिलन नहीं हुआ। नहीं मिले, नहीं मिले वो लोग, नहीं मिले उनको, अलग कैसा नहीं मिले? उनमें झगड़ा हो गया किसी छोटी बात को लेकर, और नहीं मिले चीते निठल्ले। हमको दर्द हो रहा है कि अगर टाइगर हुआ किरण नहीं मिले तो हम और संतु जी भी क्या करें? अरे लिपि में लिखा है, अभी तेरी किस्मत ही पांडु है, उसको क्या करेंगे? कितना बड़ा राक्षस है तुम बिलोटे, कितना बड़ा राक्षस। माँ क्या हुआ? मेरी माँ आ गई। क्या हुआ? देखो तुम्हारे लल्ले की क्या हालत बना के रखी है। रात भर शीर्षासन में खड़े रहने की सजा दी करिश्मा मैडम ने, सजा दी। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या कर रही हैं आप, जाने दीजिए ना, बच्चा है ये। बच्चा है ये आपको बच्चा दिख रहा है? जिसके बाल झड़ गए हैं, शक्ल से उम्र का पता चल रहा है, पूरी दुनिया घोट के पी चुका है, ये बच्चा है? माँ मुझे भी चाहिए अभी के अभी। जय 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 मैडम। जहन मैडम, हमको पता नहीं चल रहा है कि आप सजा इसको दी थी कि हमको दी थी। पूरा रात ऐसे पकड़ कर खून जम गया है, सीधा ही नहीं हो रहा हाथ। पुष्पा जी हम करें, हाथ सीधा नहीं हो रहा। लौटे, ये दोनों सास बहु हम लोग का जान ले लगी। तुम अपना मनमानी करते हो, हाँ कानून तोड़ोगे तुम प्रजापति के घर गए हो बुक चुराने, जो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हारा हिम्मत कैसी हो पे? कैसे हुआ? माँ ये थाना मेरा भी है, इस थाने की मदद की है माँ मैंने। वो किताब में जैसे लिखा था ना प्रजापति ने, कि जो वो कैरेक्टर है S.H.O हाँ मलिका हबीब, उनकी जान को खतरा है। तो मैंने भी सोचा कि हमारे मैडम सर खतरा था उनके कहने के हिसाब से, इसीलिए। तुम कौन से खतरे की बात कर रहे हो? किससे खतरा उनको समझाओ हमको। किससे खतरा है, कैसा खतरा है, आई डोंट नो, क्योंकि आगे के पन्ने तो लिखे ही नहीं थे, और जितना मैंने पढ़ा उससे मैं हिल गया। क्या ऐसा ऐसा क्या लिखा था आगे की किताब में? कहानी के हिसाब से जो कैरेक्टर है अफसर,
इतनी बार सिखाया एसएचओ 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 बोल नहीं सकते। ओके मलिका हबीब, वो दिल का हीरा लेकर आती है अपने थाने में और थाने के स्टोर रूम के एविडेंस फाइल 2007 और 8 के नीचे एक बॉक्स में रख देती है। यहां तक मैंने पढ़ा। बोली थी एविडेंस 2007-08। पुष्पा जी ये क्या है? ये मैडम बोलकर देखे। कोई बात नहीं मैडम साहब, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, टाइम पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। जय मैडम। जय मैडम। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैडम सर, बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, आपके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, हम बता रहे हैं आपको। क्या खेल, किस चीज के बारे में बात कर? ये वही दिलकश हीरा जो हमारे आंखों के सामने से उड़ गया था। कहाँ मिला, कैसे मिला ये? स्टोर रूम में। पर ये कैसे हो सकता है? ये पता नहीं मैडम से कैसे हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले डीएसपी सर को जाके ये सौंप देना चाहिए ताकि हमारे जो थाने पे कलंक लगा है वो मिट जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, जल्द से जल्द ये काम कीजिए प्लीज। हाँ पुष्पा जी आप भी साथ चलिए। हमें हाँ ठीक है ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? इसे हमें दीजिए, बाल ठीक कीजिए और जाके हमारी कैब भी लाइए। हाँ, हम कैसे भी सुंदर ही लगते हैं। संभाल कर प्लीज, बहुत संभाल कर लेकर जाइए। आप टेंशन मत लीजिए, संभाल के लेकर जाइए। हाँ बहुत संभाल। पुष्पा जी जल्दी आइए। वो तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है। संतोष शर्मा। इट्स ओके मैडम सर, आज आप पहली बार ही तो लेट हुई है ना, इतना आप सॉरी बोल रहे हैं मुझे जेन्युइनली नहीं अच्छा लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, एक बार नहीं दो बार चेक करिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस की सिक्योर्ड व्हीकल में से एक डायमंड चोरी हो जाता है और फिर पुलिस थाने के एविडेंस रूम में से वही डायमंड वापस मिल गया? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। इसलिए सीसीटीवी फुटेज आप दो बार नहीं तीन बार चेक करेंगी, बाकी सबको भी दिखाएंगी और पता लगाएंगी कि ये हुआ क्या है। जी मैडम सर। चीता वक्त है। ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है, इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आए हमें ही कुछ करना होगा।